मैंने तो नहीं निकाला यार, जो कर रहे यार। ये पाकिस्तान भर के अपनी बहनों, अपनी बेटियों, अपने भाइयों का, पूरी अपनी पार्टी के कायदीन का, मीडिया का, जितने हमारे इदारे हैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खासकर अपने कायद इमरान खान का, जिसने एक एक मिनट मुझे और मेरे खानदान को याद किया। मैं बताना चाहता हूं मेरे मुल्क के लोगों कि जब मैं जनरल बाजवा के बाद बात करता हूं तो वो मेरे मुल्क के मुजरम पाक अफवाज से उसको जोड़ देते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि पाक अफवाज से मुतल्लिक मैं वही कहता हूं जो मेरा लीडर कहता है, और मेरा लीडर वही कहता है जो मेरी पार्टी कहती है। और आपको याद होगा कि जब रंजीम चेंज से मुतल्लिक सहूलतकारों ने कोशिश की, इमरान खान की जमात और पाक आर्मी के दरमियान इख्तलाफात पैदा हों, तो मेरे कप्तान ने 27 मार्च को क्या कहा था कि ये फौज भी मेरी और ये मुल्क भी मेरा। और आजम सवाती कहता है कि पाक फौज और पाकिस्तान लाजम मलजूम है। हमारे अंदर के दुश्मन, हमारे बाहर के दुश्मन, हमारी सरहदों को, हमारी अना को, हमारी इज्जत को, हमारी फौज को कमजोर करना चाहते हैं ताकि ये मुल्क शाम, लबनान और इराक बन जाए, लेकिन इनका ख्वाब ताबीर नहीं होगा। आजम खान साथी, मेरे लोगों, जिन लोगों ने मेरे ऊपर FIR की, उन्होंने मुल्क के हर इदारे को खत्म कर दिया है। देख लें नेप कहाँ है, इलेक्शन कहाँ, इलेक्शन कमीशन कहाँ है, पार्लियामेंट कहाँ है। उन्होंने यहां तक इतना जुल्म किया है कि सवाए चंद बाज़मीर, दलेर और निडर जजों के हमारा पूरा अदालती निजाम इस वक्त वेंटिलेटर के ऊपर है, वरना क्या मजाल कि पूरे मुल्क के अंदर एक ट्वीट के ऊपर मुझ पर FIR हो। और हमारा अदालती निजाम सोया हुआ हो। इंशाल्लाह आमर फारूक जस्टिस के ऊपर मैं बात करूंगा उसके फैसलों पे, जब मैं लाहौर अपने कप्तान से मिलूंगा उसके बाद। उससे पहले अगर ये मुल्क है तो हम हैं, और इस मुल्क को बचाने के लिए जरूरी है कि हम इमरान खान का साथ दें, जो आपके इदारों की, आपके मुल्क की जंग लड़ रहा है। मैं अपनी पार्टी के कायदीन को भी कहता हूं कि अब जलसे जुलूसों से निकलें, रैलियों से निकले, अमली कुर्बानी दे, तकरीरों से नहीं होता काम, ट्वीट से काम नहीं होता। जिस दलेर ने 4 गोलियां अपने जिस्म के ऊपर खाकर
मुल्क के लिए खड़ा है उसके लिए मेरी पूरी पीटीआई की क़यादत से मैं कहता हूं कि अब अमली तौर पर आपने और मैंने कुर्बानी देनी होगी इंशाल्लाह ताला। मेरे मुल्क के वासियों, आज इदारे इसलिए खत्म किए गए हैं कि चंद अशखास की हुकूमत है, जो कुछ वो कहते हैं वही कुछ होता है। बाजवा साहब, मैं तो जेल में था, मैंने सुना कि कोई वीडियो निकली है। मैं बहसियत मुसलमान के पाकिस्तानी शहरी के मुजम्मत करता हूं, सारे मीडिया के दरेल लोगों को कहता हूं कि मुजम्मत करें, इसलिए कि वीडियो बनाने वाले, वीडियो नशर करने वाले ये मुजरम हैं कौम और मुल्क के, आपकी अखलाकियात के, आपके दीन के मुजरम हैं। लोगों को ब्लैकमेल करने वालों, रुक जाओ इस काम से, इसलिए कि तुम्हारी भी कोई माँ बहन बेटी तुम्हारे अपने इज्जत के घर पे बैठी हुई, अगर तुम बगैरत हो लेकिन तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी मेरी कौम की इज्जत है। ये लोगों को जेली फाइलों के ऊपर और वीडियो के ऊपर ब्लैकमेल करना छोड़ दें। हाँ जनरल बाजवा, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा खुदा के फजल से, तुमने मेरे मुल्क के एसेट का हिसाब किताब देना है, तुमने और तुम्हारे खानदान ने, ये मेरा फर्ज है शहरी की हैसियत से और सेनेटर की हैसियत से कि मैं तुमसे पूछूं, तुम्हारे खानदान वालों से पूछूं, तुम्हें हक है कि मुझसे पूछो, मेरे खानदान से पूछो कि हमारे एसेट कहां से लाए हैं, इसलिए कि 11,000 अरब मेरे इस गरीब मुल्क का, गरीबों का आटा आज 150 रुपए किलो है, 11,000 अरब जिन्होंने लूटा। रजीम चेंज के सहूलतकारों, तुम्हें मुल्क और कौम को बताना पड़ेगा कि किस तरीके से तुमने नेप के कानून को तब्दील करके आज सलेमान शहबाज आ रहा है, आज इसहाक डार आ रहा है, दूसरे नौसरबाज आ रहे हैं, हमारी अदालतों के अंदर जा रहे हैं, उनको दूध से नहला के बाकी फेंका जा रहा है, दूध से नहला के भेजा जा रहा है, फूल पहचाए जा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला पूरी तकरीर में जब लाहौर पहुंचूंगा, अपने कप्तान के साथ मिलूंगा, मुशावरत करूंगा। बहुत कुछ है मेरे ये 36-37 दिन जो मैंने गुजारे, कप्तान को बहुत सारी बातें बताने की हैं कि किस तरीके से इस मुल्क को हमने इस बमर से बाहर निकालना है, क्योंकि ये मुल्क है, ये मुल्क के लोग हैं तो हम हैं, हमारी इज्जत है। और अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं दुआ करता रहा था कि अल्लाह मेरे कप्तान की हिफाजत करना, और इंशाल्लाह ताला ये वही लीडर है जो इस मुल्क को इस तबाही के धाने से निकालेगा, और इंशाल्लाह ताला पुलिस को, FIA को, जितनी भी एजेंसियां हैं उनको उनको मकाम देगा, ताकि ये चंद लोग, ताकतवर लोग, ताकत के नशे के अंदर एक ट्वीट के ऊपर आजम सवाती को 36-37 दिन तक कानून से बालातर, आईन से बालातर वो इस तरह जेल में और लॉकअप के अंदर जो है न रखे। इंशाल्लाह ताला मेरा आजम एक कारकुन, एक सपाही की तरह है कप्तान के, और ये देख ले
जिन्होंने मुझे गिरफ्तार किया था उनके लिए मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं नमक नहीं हूँ जो पानी में डाल दिया जाऊं तो गल जाएगा। ये सिपाही उस कप्तान का सिपाही है जिसके जिस्म पर मुल्क और कौम के लिए चार गोलियां लगी हुई हैं। इन हाथों को, इस बदन को, इन हड्डियों को, इस गोश को, इस पोस्ट को वक़्त लगेगा गलने में। जितना जुल्म है कर लो, लेकिन तुम्हारी तारीख मुरतब की जा रही है। मुल्क और कौम के सामने तुम नंगे हो चुके हो और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान कायम है जैसे मेरे कायदे आजम ने कहा था। पाकिस्तान कायम रहेगा और इंशाल्लाह ताला रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।